हे गाइज यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइज यार, मैं हूँ डेविल एंड यू आर वॉचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। गाइज आज की जो ये वीडियो है, इसमें हम अल्टीमेटली जो कवर करने वाले हैं वो है वीक रीडिंग में। वैसे तो वीक रीडिंग का जो चैप्टर है वो बहुत ही लंबा है, एंड वीक रीडिंग को अगर आप प्रॉपर स्टडी करने जाओ तो उसमें बहुत कुछ होता है। लाइक सिंपल सा प्राइस एक्शन पे आप ट्रेड कर सकते हो, बट जब बात वीक रीडिंग पर आती है तो हर एक वीक के सीक्वेंस को, उसके पावर को, हर कुछ को एनालाइज करना पड़ता है। तो उसी बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे, बट आपको मैं उतना हार्ड नहीं बताऊंगा। आपको मैं ट्राई करूंगा कि कुछ ऐसी चीज़ें रिप्रेजेंट करूं जो आपके लिए बहुत ईजी हो। ठीक है, एक छोटा सा सेटअप मैं आपको समझा देता हूँ, एंड उसी बेसिस पे होगा तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो कुछ और सारी चीज़ें भी ट्राई करेंगे। ठीक है, पहले आप सिंपल सा कुछ बातें समझते हो। आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस समझते हो, कुड भी ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट जब यहाँ जाती है तो आप सेल करते हो, मार्केट जब इस पोजीशन पे आती है तो आप बाई करते हो। सिंपल है। ठीक है, तो अगर आपको वीक रीडिंग अगर आप कर रहे हो, सपोज मार्केट एक रेजिस्टेंस से फॉल कर रहा है, एंड अगर कोई रिसेंट में गौर करो, मैंने सपोर्ट कहाँ ड्रॉ किया, यहाँ पे। तो अगर बीच में अगर कोई रुकावट ना हो, सपोज अगर मार्केट के बीच में कोई रुकावट ना हो, एंड कोई कैंडल, अगर बियरिश कैंडल, कोई स्ट्रांग बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, थोड़ा सा स्ट्रांग हो, एंड उसका वीक जो हो वो रीस जैसे इस कैंडल का वीक था, इस कैंडल के वीक को इस स्ट्रांग बियरिश कैंडल ने ब्रेकआउट करा, और बीच में अगर कोई रुकावट नहीं है तो आप नेक्स्ट कैंडल आराम से आंख बंद करके सेलिंग का ले सकते हो, वो आपका शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट अगर नहीं भी होता है तो वन स्टेप मार्टिंगल इसमें अगर आप यूज़ करते हो तो आप अल्टीमेटम बहुत अच्छा इस पर आप बेनिफिट बना पाओगे। ठीक है, एंड अगर इसके अगेंस्ट में मैं बात करूँ कि सपोज जैसे क्या हो रहा है, मार्केट उठ रहा है, सपोज मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट बाइंग के डायरेक्शन में जा रहा है। किस तरीके से? इस तरीके से बाइंग के डायरेक्शन में जा रहा है, एंड जैसे उसने एक वीक छोड़ी। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, बीच में कोई रुकावट नहीं है। और अगर कोई बुलिश कैंडल रीसेंट ग्रीन कैंडल के वीक का स्ट्रांग ले, जैसे ये क्या है, रीसेंट एक ग्रीन कैंडल है, सॉरी एक सेकेंड, जैसे क्या है कि वीक कैंडल, सॉरी एक ग्रीन कैंडल है, उसका वीक यहाँ पर है, उसका स्ट्रांगली इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट करा। तो जैसे इसके वीक का ब्रेकआउट होगा, जैसे राउंड नंबर का लेवल भी यहाँ पे दूर है। राउंड नंबर क्या होता है, जो ये नंबर्स होते हैं वहाँ व्हाइट कलर की लाइन होती है, उसको राउंड नंबर कहते हैं। तो देख सकते हो राउंड नंबर का भी लेवल दूर है, साथ ही साथ मार्केट का रेजिस्टेंस भी दूर है, बीच में कोई रुकावट नहीं है, और कैंडल का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी हाई है। इट मीन्स कैंडल का जो फॉर्मेशन है, उसका जो मोमेंटम है, उसका बहुत ही स्ट्रांग है, तो आप कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड कर सकते हो। वैसे अगर आप वीक रीडिंग की स्टडी प्रॉपर करते हो तो आप हर एक कैंडल को यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे, एवरी कैंडल यू कैन ट्रेड ऑन इट। बट मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप बिगनर हो तो आप उस तरीके से ट्रेड अवॉइड करो। आप बस सिंपल किस तरीके से ट्रेड करो, आप इस तरीके से वीक रीडिंग में ट्रेड कर सकते हो, और आप खुद से ट्रेड करना चाहते हो तो। बाकी यहाँ पर मैं कुछ सेपरेट ट्रेड करूँगा, जो अगर आपको पसंद आएगी तो हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप करेंट टाइम में देख सकते हो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आप पे जैसे जो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो इसको पहले कट करते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। और अगर आप गौर से देखो, गौर से क्या देखो कि यहाँ पे जैसे ये चार्ट है, इस चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर मैं फाइंड करता हूँ, जैसे यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। ओके, एंड मार्केट यहाँ से प्रॉपर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर दी थी, जहाँ से मार्केट ने एक मोमेंटम लिया था। तो ओवरऑल इसका सपोर्ट कहाँ पर है, ये है। बाकी ये ऑर्डर ब्लॉक्स हैं जो उतने पावरफुल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक से मैं आपको अभी बाद में समझाऊंगा। तो यहाँ पे इसके लेवल्स इतने वर्थ इट नहीं, जो आगे साइड जाएंगे तो उतना अच्छा काम नहीं करे। बट अगर आप गौर करोगे तो जितने भी ऑर्डर ब्लॉक के लेवल्स हैं वो इजीली ब्रेकआउट हो रहे हैं, कोई मतलब कोई इसका मतलब नहीं बन रहा। तो यहाँ पर हम इस चीज़ की इंपॉर्टेंस देंगे नहीं देंगे। तो हमें ओवरऑल क्या दिख रहा है कि सपोर्ट यहाँ पर है। ओके, तो अगर सपोर्ट यहाँ पर है, बीच में कोई भी रुकावट नहीं है, और जैसे ये वीक था, वीक का देखो स्ट्रांग बेयरिश कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, कंटिन्यूएशन कैंडल है, बीच में कोई भी रुकावट नहीं है, और सपोर्ट क्या है, दूर है, तो बीच में हम कंटिन्यूएशन कर सकते हो, कंटिन्यूएशन की ट्रेड करते हैं, कितना अच्छा खासा विन है। और ओनली जो मैंने आपको सेटअप बताया है वो ओनली आपको इम्पल्सिव वेव में ट्रेड करना है। इम्पल्सिव वेव क्या होता है, इम्पल्सिव वेव एक ऐसा वेव होता है जहाँ पे मार्केट रिवर्सल बहुत कम ले रही होती है। सपोज एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन है, उस बीच में मार्केट सीधा उठ रहा है या तो सीधा गिर रहा है, सीधा उठ रहा है या तो सीधा गिर रहा है, बस यही होता है बीच में, और कुछ नहीं होता। मतलब बीच में वो चीज़ें बदलती नहीं है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहने का ट्राई आपको कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इस तरह के मार्केट में ट्रेड करना है जो मैंने आपको सेटअप बताया। बाकी चलो मैं अपने हिसाब से इसमें लाइक वीक रीडिंग की ट्रेडिंग करता हूँ, एंड जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं आपको ट्रेड करके बताता हूँ। थोड़ा सा वेट कर लो गाइज। ओके ओके गाइज, मैं वीडियो में वापस आ चुका हूँ, एंड यहाँ पे हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे मल्टीपल पेयर्स में। जहाँ हम अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम वहाँ ट्रेड करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। ओके, तो चलो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं जहां हमारा सेटअप भी बन रहा हो और प्रॉपर हम किसी एक वीक
को कंसिडर करके ट्रेड कर रहे हो। देखो ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पे एक नॉर्मल कैंडल्स पे भी ट्रेड कर सकता हूँ इसके वीक्स को पकड़ के। जैसे अगर आप, मैं आपको यहाँ छोटा सा अगर एग्जाम्पल से समझाऊँ, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो छोटे से जोन में अगर आप गौर से यहाँ देखो तो यहाँ क्या हो रहा है, मार्केट जब उठी थी यहाँ पर एक, देखो गौर करो, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है उसके हाई के अंदर एक ग्रीन की क्लोजिंग हो गई जो इंडिकेट करता है कि बार्स उतने पावरफुल नहीं है, मार्केट यहाँ से गिर सकता है। बट अचानक से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की एंट्री होती है तो MTG से हमारा यहाँ पे विन होता, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे देखो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ग्रीन कैंडल आई थी जिसने रिसेंट ग्रीन कैंडल के हाई का ब्रेकआउट करा था, मार्केट कंटिन्यू जाती बट नहीं, यहाँ पे MTG विन हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज मैक्सिमम वीक रीडिंग OTC में MTG के साथ ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है, ठीक है। और अभी नाइट का टाइम है इसलिए MTG ज़्यादातर लगेंगे, बट कोई बात नहीं, हम ऐसा ट्रेड, ऐसा अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे जहाँ हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो चलो गाइस कुछ ट्रेड करते हैं, नहीं तो वेट करते हैं। ओके यहाँ पर देख सकते हो यहाँ चांसेस हैं एक सेलिंग का, अगर ये सेलिंग कैंडल इसके लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज देगी तो मैं सेल करूंगा, अगर ऊपर क्लोज देगी तो मैं बाई करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, ऊपर क्लोज दे दी है, ठीक है गाइस। तो हम यहाँ पे एक बाई की ट्रेड लगा रहे हैं और यहाँ पे बाई की एंट्री लगा दी है, अब देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके तो देख लेते हैं क्या होता है, ये विन होता है या फिर लॉस होता है। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ। वीक रीडिंग में मैंने आपको नॉर्मल सा क्या समझाया था कि अगर कोई सेलिंग का वीक है, मोमेंटम है, और सेलर के वीक कोई सेलिंग स्ट्रांगली ब्रेक करता है तो कंटिन्यू करो, बट वो नहीं कर पाया, ब्रेक नहीं कर पाया, अचानक से इसमें बाइंग प्रेशर एक्टिवेट हो गया तो मैं बाइंग को देख करके यहाँ पे ट्रेड ले लिया। बट यहाँ थोड़ा सा रिस्की है, क्यों रिस्की है? बिकॉज जो रिसेंट कैंडल थी उसने क्या किया था, उसने जंप अप लगा करके सेलिंग का फॉर्मेशन करा। गौर कर सकते हो ये अपने एग्जैक्ट क्लोजिंग के ओपन ओपनिंग प्राइस से ओपन नहीं हुई है, ये एक ऐसे प्राइस के लेवल से ओपनिंग हुई है जहां पे कोई लेवल ही नहीं है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे हमने ट्रेड करा था एंड ये हमारा शॉर्ट शॉट हो रहा है। और गाइस अगर आप बाइनरी में बहुत ज्यादा लॉसेस करते परेशान हो चुके हो तो आप मेरा VIP ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, एक सेकंड वेट करना। गाइस देख सकते हो ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है और यही रीजन था इसके पीछे का। और मैं आपको बता रहा था अगर आपको मेरा VIP ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ पर अगर आप बहुत सारा लॉसेस कर चुके हो या फिर अपना लॉस रिकवर करना चाहते हो, पार्ट टाइम इनकम करना चाहते हो, तो आप मेरा VIP ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। VIP ग्रुप को ज्वाइन करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट आपको उसमें मिनिमम $10 से $20 का डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद आपको अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देनी है, फिर मैं आपको अपने VIP ग्रुप में ऐड कर लूँगा जहाँ पर आपको पर डे 3 to 5 शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स आपसे डेली देखने को मिल जाएंगे जिसका यूज करके अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हो या फिर पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। बस थोड़ा सा होल्ड करो, छोटा सा वर्क आ गया, मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। अभी हमने एक ट्रेड को क्लोज कर लिया और अच्छा खासा आपको मैंने एक्सप्लेन करके भी समझा दिया था, थोड़ा सा वेट करो मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पर थोड़ी देर में। ओके गाइस हम वीडियो में वापस आ चुके हैं एंड जो मेरा वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। ओके एंड हमने एक ट्रेड को विन कर लिया था, अब हम दूसरे ट्रेड की ओर चलेंगे आगे और वही है, हम एनालाइज करेंगे एंड ट्रेड करेंगे, तो अब वीडियो में बने रहो। ओके तो देखते हैं कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो, और आप देखो सीखो समझो कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ जिससे आपको मेरे एक्सपीरियंस लेवल को टच करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके गाइस हम इस कैंडल पे एक बाई का ट्रेड का एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लग गई है बट एज टू मी मार्केट ओवरऑल यहाँ से अप डायरेक्शन का ट्रेड लेगा। देखो इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ, लॉजिक एज इतना सिंपल है ना क्या ही कहूँ मैं आपको। देखो मार्केट ओवरऑल क्या है, अप ट्रेंड में ट्रेंड के साथ गए, बायर का यहाँ पे जो हाईज है अगर आप गौर करो तो मार्केट जो भी हाई लगा रही है, ये हाई लगा, ये हाई लगा, ये हाई लगा, बैक टू बैक ब्रेकआउट होते जा रहा है और मार्केट कंटिन्यू कर रही है। रीसेंट टाइम में एक रेजिस्टेंस यहाँ थी जो इसको रोक सकती थी बट उसका भी क्या हुआ, स्ट्रांगली ब्रेकआउट हो गया एक बुल स्कैंडल से। ब्रेकआउट होते एक और जो इसने वीक छोड़ी थी, वीक का ब्रेकआउट हो गया कि और स्ट्रांग बुल स्कैंडल से, उसी बेसिस पे हमने इस पे कॉल डायरेक्शन की ट्रेड लगाई थी एंड ये हमारा शॉर्ट शॉट हो जाता बट इसमें नेक्स्ट कैंडल में एक्सपायरी लग गई है तो हम नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अब ये कैंडल भले ही रेड बने बट बाइंग के 50% ऑफ द लेवल से ऊपर क्लोज देना चाहिए एज टू मी, नहीं तो ओवरऑल मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए। इसी बेसिस पे हमने ट्रेड करा था और गाइस देख सकते हो बैक टू बैक फिलहाल हमारी विनिंग्स चल रही है और काफ़ी अच्छा मार्केट का सीक्वेंस भी काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है। और वीक ट्रेडिंग अगर आप सीख लेते हो तो बहुत कुछ इससे आगे अचीव कर सकते हो, बट कोई नहीं, आप जो भी चीज़ें, जो भी स्ट्रैटेजी आप सीखे हो बस उसी को मास्टर करो और उसी पे आगे बढ़ते रहो, डेफिनेटली वन डे यू विल गोना सक्सेस ऑन इट। ओके देख सकते हो गाइस ये हमारा शॉर्ट शॉट हो चुका है। ओके
और गाइस जो लोग मार्केट में सीखे हो थोड़ा बहुत भी, उनको ट्रेडिंग आती है, वो खुद से ट्रेड करके सीखने का ट्राई करो। बट जो बंदे मार्केट में एकदम बिगनर हो, तो मार्केट आपका पैसा लेगा ही लेगा, इट मीन्स वो लॉस कराएगा ही कराएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप पैसा लॉस करने से बेटर है सीखने में डालो। जो थोड़ा बहुत जानते हो उनके लिए बहुत अच्छा है, बट जो एकदम बिगनर हो जिन्हें नहीं आता है, वो पहले स्क्रैच से स्टार्ट करो, बेसिक टू एडवांस का स्टार्ट करो, और आप कहीं से ट्रेडिंग सीखो। आप चाहो किसी भी थर्ड पार्टी से सीखो, किसी से भी सीखो, और चाहो तो आप मुझसे भी सीख सकते हो। मैं कोर्सेज के थ्रू ट्रेडिंग सिखाता हूँ बाइनरी में। सो अगर आपको मुझसे मेरा कोर्स परचेज करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम के लिंक दिख जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम पर आ सकते हो, एंड वहां पर आकर के आप मेरे कोर्स की सारी डिटेल जान सकते हो। एंड डिटेल्स जानने के बाद आप चाहो तो वहां पर आकर के आप परचेज कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। बाकी आप चाहो तो किसी से भी सीख सकते हो, कोई बुराई नहीं, आपको जिससे मन है उससे सीखो, बट सीखो उसी से जो आपको थोड़ा सा टाइम दे, आपके प्रॉब्लम्स को 1v1 सॉल्व करे एटलीस्ट, ठीक है। उसी से आप सीखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, एक लास्ट ट्रेड करेंगे फिर हम गाइस मार्केट से आउट हो जाएंगे, तो थोड़ा सा वेट कर लो। गाइज हम इस कैंडल पे एक बाई की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो हम यहाँ पे एक ट्रेड कॉल डायरेक्शन की लगाते हैं, बट वॉट इफ अगर ये लॉस होती है, अगर ये लॉस हो गई तो हम यहाँ पे वन स्टेप मार्ट एंगल लेंगे। इसके पीछे कोई बड़ी एनालिसिस नहीं, बहुत सिंपल है। एक यहाँ पर देख सकते हो शूटिंग स्टार कैंडल है, उसका लो अगर मैं ड्रॉ कर दूं और उसका हाई ड्रॉ कर दूं, तो उसी के अंदर एक सेलिंग कैंडल की क्लोजिंग हो गई है, जो ये इंडिकेट करती है कि सेलर्स इतने पावरफुल नहीं थे जो कि बायर्स के लो का ब्रेकआउट कर पाते। तो इसलिए मार्केट यहाँ पर कॉल डायरेक्शन की आनी चाहिए, और ओवरऑल क्या है, ट्रेंड भी अप है, एंड यहाँ पर माइनर से एक रेजिस्टेंस भी था जहाँ से रिजेक्शन अभी करंट टाइम में आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये सेलिंग बनती है तो वन स्टेप मार्टेंगल से डेफिनेटली विन हो जाएगा, अगर ये बाइंग बनती है तो वन स्टेप मार्टेंगल से जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सेलिंग बन गया, हमने यहाँ पर दो ट्रेड कॉल डायरेक्शन के लिए लगा दिया है। क्यों लगा दिया? बिकॉज हमारी एनालिसिस उसी कैंडल पे कॉल डायरेक्शन की थी, बट वो सक्सेस नहीं हो पाई, इसीलिए हमने यहाँ पे वन स्टेप मार्टिंगल लिया था। अब देखते हैं गाइस क्या होता है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मेरे हिसाब से एक ग्रीन कैंडल ही बनेगी, बिकॉज इसी कैंडल को बनना चाहिए था, बट छोटा सा यहाँ पे इसने गैप को फुलफिल करा, जो कि राउंड नंबर का लेवल है, करीबन 1400.80 का लेवल है, उसी को एकदम एग्जैक्ट इसने कवर करा है। और जो रिजेक्शन आया है वो रिसेंट एक स्पिनिंग टॉप कैंडल से इसने रिजेक्शन लिया है। अब यहाँ पे बायर्स एंटर हो रहे हैं, और मार्केट का जो नेक्स्ट रिवर्सल पॉइंट है वो करीबन इस जगह पर है, तो मार्केट यहाँ तक भी जा सकती है और रिस्क रेजिस्टेंस को भी कैच कर सकती है, ठीक है। तो इस हिसाब से गाइस मार्केट चल रहा है। होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है गाइस, तो आप वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। लास्ट के गाइस 5 सेकंड बंद रखे हैं, एंड ये डेफिनेटली एक शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड हो जाएगी। और गाइस अगर मुझे हाइड करना होता तो मैं हाइड कर देता, बट जो रियलिटी थी वो आपके सामने थी, ठीक है। सो चलो गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइस दिस इज डेविल एंड आई एम साइनिंग आउट।